हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश सोनी, एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड कोच। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि कर्म पे कोई ना कोई वीडियो जरूर शेयर करें, एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के सामने मैं लेके आया हुआ हूं। एक राजा हुआ करते थे जिनके जिनके पास कई सारे मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने अपने 3 बेस्ट मंत्रियों को चुना और बोला कि भाई इसमें अगर कोई अच्छा काम करेगा तो मैं आपको इसमें से सेनापति बना दूंगा, महामंत्री बना दूंगा। और वो तीनों को एक टास्क दिए। टास्क में ये था कि तीनों को एक बाग में छोड़ दिया जाएगा और थैला दे दिया जाएगा, जो सबसे पहले और ज़्यादा फल वो थैला भर के लेके आएगा उसको हम इनाम देंगे और साथ ही साथ उसको सेनापति या महामंत्री बना दिया जाएगा। दोस्तों, तीनों लोगों को अलग अलग बाग में छोड़ दिया गया। पहला जो मंत्री था वो अपने थैले को फटाफट भरा, घास फूस सड़े गले फल से भरा और ऊपर अच्छा सा फल भरा और सबसे पहले मंत्री पद लेने के लिए राजमहल में की तरफ लौट गया। दूसरा जो मंत्री है, सड़ा गला फल और साथ ही साथ अपने कुछ अच्छे फल भरे और वो भी थोड़े देर बाद वो भी उधर पहुंच गया राजदरबार में। तीसरा जो मंत्री था, जो उसने ये डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को अच्छे फल भरने हैं, शाम लगाया, रात लगाया, तो मतलब 7-8-10 बज गए ऐसे समझो, तो 10 बजे तक वो अपना फल तोड़ता रहे, पेड़ के ऊपर चढ़ के अच्छे अच्छे फल तोड़ते रहे और वो भी पहुंचा। जैसे तीनों मंत्री इकट्ठा हुए और तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं तो पहला वाला तो सोच रहा मैं तो विनर हूँ, अब मेरे को महामंत्री बना दिया जाएगा। जैसे राजा साहब आए और राजा ने बोला कि तीनों मंत्रियों को जेल में डाल दिया जाए 1 महीने के लिए और इनको कुछ भी खाने पीने के लिए ना दिया जाए, जो भी ये अपने पास थैला रखे बस सिर्फ वही इनके पास साथ जाएगा। बेसिकली हुआ क्या दोस्तों, कुछ दिनों बाद पता चला कि जो पहला मंत्री था जिसने घास फूस सड़े गले और फ्रूट्स थोड़े रखे हुए थे वो तो चल बसा, दूसरा मंत्री भी कुछ ज़्यादा दिन तक उससे जीवित रहा और तीसरा जो मंत्री है वो जीवित रहा क्योंकि उसने सबसे अच्छे फल इकट्ठा किए थे, जिसमें समय दिए अच्छे फल को इकट्ठा करने के लिए और वो फल ही उसको जीवन दान देने का काम किया और आने वाले समय में उसी को सेनापति और जो कहते हैं ना महामंत्री उसको बना दिया गया। दोस्तों, जीवन के बाग में अगर हम देखें तो जीवन के बाग में हमारे पास भी अच्छे अच्छे फल इकट्ठा करने का पूरा मौका मिलता है। हम किस तरह के फल इकट्ठा करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो फल है वो क्या है, वो है कर्म। अब ये जो कर्म है ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस तरह के कर्म अपने इस जीवन के बाग में इकट्ठा कर रहे हैं थैले के रूप में। अब जिस तरह के कर्म होंगे वही कर्म हमें कहते हैं ना वापस आएंगे और हमें वो कर्म हमें आने वाले समय में हमारे जीवन में लाभकारी होंगे। जिस तरीके से ये जो फल है मंत्री को जीवित रखा और आने वाले समय में उसको महामंत्री बनाने में मदद किया, सेम उसी तरीके से जो हमारे कर्म हैं वो हमारे जीवन में आने वाले समय में हमें मदद करेगा और हमारे जीवन का महामंत्री इस जीवन के बाग में बना सकता है। अब ये कर्म होने कैसे चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, बस मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जब भी हम कोई ऐसा काम करें जहाँ पे वो काम करने के बाद हमारा दिल, हमारा जो मन संतुष्ट नज़र आए और प्रसन्न नज़र आए, वही काम हमारा सबसे सुंदर और अति उत्तम काम माना जाता है और कर्म माना जाता है। जैसे अगर हम देखें, बिना अगर किसी स्वार्थ के अगर किसी की हमने मदद कर दी तो उस दिन हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है, मन प्रसन्न रहता है और हमें लगता है कि आज हमने बहुत अच्छा काम किया है। सेम उसी तरीके से हम कभी भी ऐसा कोई काम करें जहाँ पे मेरा मन खुश हो, वही हमारे अच्छे कर्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।